बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में सोमवार को 12 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद शिक्षक प्रतिनिधियों का मतदान हो रहा है। इस महत्वपूर्ण चुनाव के लिए 14 जिलों में कुल 19 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, छपरा, दरभंगा और पटना जैसे जिलों में सुबह 10:30 बजे से 2:30 बजे तक मतदान होगा, जबकि गया, सिवान, नालंदा, कटिहार, सहरसा और भागलपुर में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। बता दें कि मुजफ्फरपुर के LS कॉलेज में SNS कॉलेज और RSS कॉलेज का बूथ बनाया गया, जिसको लेकर सभी शिक्षकगण ने अपना कीमती वोटों का योगदान दिया। इस दौरान शिक्षकों ने कहा कि हम ऐसे उम्मीदवार को चुनेंगे जो हमारे कार्यों का पूर्ण रूप से निपटारा कर सके, वेतन से जुड़ी कॉलेज के विषय में सोचने वाले और समय समय पर कॉलेज पहुंचकर उसके विकास की योजना बनाने वाले उम्मीदवार को हम वोट देंगे। सेनेट के 15 शिक्षक प्रतिनिधियों के चयन के लिए यह मतदान आयोजित किया जा रहा है। 3 कैटेगरी में 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि 2 का निर्विरोध चुना जाना तय है। 12 साल के बाद चुनाव हो रहा है सीनेट का, और हमारे कुलपति जी बहुत ही धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने की दिशा में सीनेट की जो अहम भूमिका है इसके महत्व को समझते हुए इस चुनाव को करवाया। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? सीनेट का चुनाव सही मायने में पूछिए तो हमारी यूनिवर्सिटी की व्यवस्था सब कुछ सीनेट पर निर्भर है। सीनेट अधिसभा जिसको आप हम जानते हैं, यूनिवर्सिटी के द्वारा, कुलपति के द्वारा जितने भी तरह के निर्णय लिए जाते हैं, प्रशासनिक निर्णय हो, फाइनेंशियल निर्णय हो, एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय हो, वो सब का सब सीनेट से पास होना ज़रूरी है। और सबसे अहम कि हम लोगों का जो वेतन होता है, जो बजट बनाया जाता है विश्वविद्यालय के द्वारा, वो जब तक सीनेट से पास नहीं होता है सरकार उसको नहीं मानती है। बजट पास होने के बाद, सीनेट से पास होने के बाद ही गवर्नमेंट में वो जाता है और फिर उस बजट के अनुरूप हम लोगों को वेतन मिलता है। तो सीनेट की बड़ी ज़बरदस्त भूमिका है यूनिवर्सिटी की व्यवस्था में। यह दुर्भाग्य था हम लोगों का कि पिछले 12 वर्षों में चुनाव नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से कई नीतिगत निर्णय भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं लिया जा रहा था। तो कुलपति जी को तो हम एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की अहम कड़ी सीनेट के चुनाव को गंभीरता से लिया और करवाया। किस तरीके से देखते हैं वोटिंग करने जा रहे हैं, कितनी उत्साह है? देखिए, 12 सालों के बाद, लगभग 12-13 सालों के बाद सीनेट का चुनाव हो रहा है, जिसमें हम लोग श्याम नंदन सहाय कॉलेज और रामश्रेष्ठ सिंह चुचा कॉलेज का बूथ LS कॉलेज के प्रांगण में बनाया गया है। तो हम लोग आज वोट डालने के लिए आए हैं और सीनेट के मेंबर के रूप में हम लोग चुनेंगे। A, B और C 3 कैटेगरी में चुनाव हो रहा है। हम लोग जो एफिलेटेड कॉलेज के जो शिक्षक हैं वो सी कैटेगरी में हम लोग चुनेंगे, एक जनरल में और OBC में, और उसके बाद से जो विश्वविद्यालय का जो ढांचा है उसको मजबूत करेंगे ताकि शिक्षक हित में अच्छे से कार्य हो, और फिर जो आने वाले दिनों में जो विश्वविद्यालय का बजट होगा वो ठीक ठाक ढंग से हो और शिक्षक हित में आवाज़ें उठे, ऐसे प्रतिनिधि को हम लोग आज यहाँ चुनने के लिए बूथ वोट डालने के लिए आए हैं। प्रोफेसर शब्बीर अहमद, श्याम नंदन सहाय कॉलेज। हाँ, बहुत ज़्यादा उत्साह है, मेरा फर्स्ट टाइम है और बहुत अच्छा लगा और बहुत शांतिपूर्ण से यहाँ तरीके से वोटिंग की गई। मैंने यही सोचा है कि हम लोग की जो भी मांगे वो समय से हो जाए, चाहे प्रमोशन हो, चाहे हम लोग को वेतन में जो देरी होती है वो सब समय पर हो जाए। हाँ, अब लग रहा है कि उम्मीद है जो भी कैंडिडेट से बहुत ही हमारे खड़े उतरेंगे उनको लगता है। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका कुमारी, RBBM कॉलेज। जी, आज मैंने सीनेट का पहला वोट दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और उद्देश्य स्पष्ट है कि एक शिक्षक के रूप में हमारी जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं विश्वविद्यालय स्तर पर और महाविद्यालय के स्तर पर या सरकार के स्तर पर, उन सभी के लिए आज हमने अपना एक प्रतिनिधि बनाया है जो हमारी समस्याओं को, हमारी बातों को आगे बढ़ के रख सके और उसका समय पर निष्पादन हो सके। काफ़ी सालों के बाद यह चुनाव हुआ है। हाँ, चुनाव तो काफ़ी सालों के बाद हुआ है, लेकिन मेरा यह
फर्स्ट टाइम है और काफ़ी सालों के बाद हुआ है। यह एक अव्यवस्था को दर्शाता है। हमारा जो सिस्टम है वो उसको सही तरीके से चलाने के लिए यह वोटिंग भी समय से होना जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। जो परिवर्तन नहीं तो यहाँ भी राजतंत्र की स्थापना हो जाएगी और अव्यवस्था के कारण हमारा जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वह खराब हो जाएगा या महाविद्यालय का जो जो भी शिक्षा का संगठन है उस पर इसका बुरा असर पड़ेगा। मैं डॉक्टर हेमा कुमारी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, RBBM कॉलेज। हाँ, हमने वोटिंग कर लिया। हमारी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं या जो हमारे पुलिस डिमांड हैं जो कैंडिडेट करते हैं उनको जो है कि हम फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस दे रहे हैं। जैसे कि प्रमोशन हो टाइम से, सैलरी टाइम से हो, जो भी इंक्रीमेंट है वो सब में सही टाइम पे मिल सके, ये सारी चीज़ें। और जो टीचर्स के लिए जो भी मेन चीज़ें हैं वो चीज़ मिल सके। फर्स्ट टाइम वोट होंगे? हाँ, फर्स्ट टाइम वोट दे रहा हूँ। अंजू सिंह। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।